के इलेक्शन में पसारे ये पंजा हमारा खटाए के अमेरिका का मुनन के पैर भी जो तो कम हलाए दिखा रहे बाकी का पूछ अवामी अदालत का मूड ये बता रहा है कि सुनामी वापस जा रही है, पाकिस्तान पर तबाही मुसलत की गई है तब्दीली और सुनामी की शक्ल में। ज़ाहिर है उसने वापस जाना था, उसका वक्त पूरा हो चुका है। बहुत बुरी तरह से मुस्तरद किया है पीटीआई को केपीके के अंदर। असल में इंतखाबात से भागना चाहते हैं, लोगों को ये पता ना चले कि अब ग्राउंड पे इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। जब हम कह रहे थे कि साहब धांधली की पैदावार हुकूमतें हैं, पूरा पेशावर सारी ब्यूरोक्रेसी उनकी, लोगों के लिए रास्ता छोड़ दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लैश में खुश आमदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, गैस बहरान जो है महंगाई के साथ साथ एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से हर शख्स आजकल परेशान नज़र आता है। ख़ास तौर पर अगर हम कराची की बात करें तो वहाँ पर सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अपोजिशन जमातें तो कर ही रही थी वहाँ से भी और पूरे मुल्क से तनकीद, लेकिन अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MNA और MPAs हैं उनकी जानिब से भी तनकीद का सिलसिला शुरू हो चुका है। NA 247 से जो रुकन कौमी असम्बली हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, वो हमाद अज़हर साहब के ऊपर बरस पड़े और उन्होंने कहा कि मैंने बारहा उनको मैसेजेस किए, उनको कॉल्स किए कि इस मसले को हल किया जाए, मेरे हलके में ख़ास तौर पर जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो अगले जो बल्दियात बात है ख़ास तौर पर सिंध में, वहाँ पर नतीज जो हैं वो बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आ सकते हैं। इसके साथ साथ दीगर जो MPAs हैं सिंध से, उनकी जानिब से भी कुछ इसी तरह की तनकीद सामने आई है। सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद जी खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला जो है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी इतनी बुरी क्यों रही, अब इमरान खान समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत है स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा से, वो इसकी वजूहात जानने के लिए निकल पड़े हैं और अब कोशिश की जा रही है कि जाना जा सके कि महंगाई इसकी वजह है इन इंतखाबात में हारने की, टिकट्स की गैर जो तकसीम है, गैर जो गलत तकसीम किए गए हैं टिकट्स वो इसकी वजह है या फिर नाअहली इसकी वजह है। मुतज़ाद इत्तला जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। हमारे जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ अरशद अब्बास मौजूद होंगे, माहिर तवानाई उमूर हैं। उमर बट साहब मौजूद होंगे, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब तहरीक इंसाफ से। राना एहसान अफजल खान साहब नून लीग से हमारे साथ मौजूद होंगे और सैनेटर शहादत आवान साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जो इस वक्त गैस की सूरत हाल है उसके ऊपर बात करते हैं अरशद अब्बासी साहब से। अरशद अब्बासी साहब, ये गैस बहरान की वजह आपको क्या नज़र आती है? क्या सारा मलबा हुकूमत पर डाल देना ठीक है कि इनकी नाअहली की वजह से ये गैस बहरान पैदा हुआ? आशा, बात ये है कि अगर मैं इसको समराइज पहले वो कर दूं शुरू से ही, ये है एक कॉम्बिनेशन ऑफ इनकॉम्पिटेंस, एरोगेंस एंड एक टोटल जिसे कहते हैं कि एज करप्शन एज वेल, ये तीनों चीजें आप कह सकते हैं। वो किस तरह? पहली बात थी कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त हम तकरीबन पाकिस्तान के टॉप 10-20 एक्सपर्ट्स ऑयल गैस पे जो काम करते हैं उससे बड़े बड़े, हमने एक समरी बना के गवर्नमेंट को दी कि देखें ऑयल और गैस पे हम 5 साल के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। पाकिस्तान का एरिया तो अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ, 43-45% हुआ, तो आप ये LNG के बजाय डिपेंडेंट्स के आप यहाँ पे एक्सप्लोर करें, और उसके लिए जो पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 की है उसको अपने तब्दील कर रहे हैं, वो भी इनको बना के। आशा, आज इनको 3.5 साल हो, उस पेट्रोलियम पॉलिसी के अंदर 2 लाइनें ऐड हुई हैं जो कि टोटल वो नहीं है जिस तरह के इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पे आते, यहाँ KPK यहाँ नॉर्थ बलूचिस्तान यहाँ बलूचिस्तान में हमारे पास इतनी गैस अवेलेबल है कि हम उसके अंदर खुद कफील हो सकते हैं। मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल दूं, मैंने KPK उजरीस में काम किया है और वहां पे कई दफा आपको क्लिप देखे होंगे कि इमरान साहब आ रहे कहते देखे यहाँ पे गैस ओज आउट हो रही है, यानी गैस निकल रही है और हम इसको टैप नहीं कर रहे, बाकी आयल है वो टैप नहीं कर रहे। उस वक्त एक दफा मैं भी मौजूद था, उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी कि ये जिसे कहते हैं ना आयल चीप और गैस चीप, ये टैप नहीं कर रहे। तकरीबन 1 बिलियन CF गैस वहां से जो ओज आउट हो रही है, आपने कई वीडियो देखी हुई, हमने भी कई दी इनको कि देखें गैस निकल रही है और उसको क्या कर रहे हैं, आयल निकल रहा है, हम वो भी टैप नहीं कर सकते। इसके बाद हमारी जो है ना अनअकाउंटेड, एक कहते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस, यानी जो गैस लीकेज है हमारे नेटवर्क में, वो तकरीबन इतनी ही है जितना हम एक कार्गो या जितना एक मंथली
या वहां से मंगवाते हैं कतर से, आप यकीन करें कि जितना वो कार्गो मंगवाते हैं उस प्राइस में पूरे पाकिस्तान में जो हमारी ये जिसे कहते हैं यूएफटी गैस लीकेज है, इसको हम एक माह के अंदर उस अमाउंट के बराबर छह माह के अंदर हम 15% से 2% पे ला सकते हैं। अर्शद साहब, ऑन द अदर हैंड जो वफाकी वज़ीर इत्तला'आत हैं फवाद चौधरी साहब, उनको मैं सुन रही थी, वो ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे मुल्क से तो ज़खायर खत्म होने वाले हैं। देखिए ये बात इस तरह की, जब आप नए एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि पाकिस्तान के जो सेडिमेंट्री बेसन है उस बेसन में अभी 43% एरिया एक्सप्लोर हुआ है, बाकी हम गए ही नहीं है। हमने कोई इंटरनेशनल बिडिंग ही कॉल नहीं की, हमने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि हम एक इंटरनेशनल बिडिंग कॉल करें और वो एरिया जैसे मैंने आपको मेंशन किया बलूचिस्तान का, जैसे कोलू है, नॉर्थ बलूचिस्तान है या केपीके के कर के पास एरियाज है, जब हम वो एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, वो हम देखेंगे नहीं, तो जाहिर है कि जो एग्जिस्टिंग जहायर है जैसे सुई है, जमजमा है, ये सारे तो होने ही है, इनकी तो एक लाइफ होती है। फिर दूसरी बात, मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी जो शेल गैस की रिपोर्ट थी उसकी इनॉग्रेशन इमरान खान साहब ने की और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि यार कितनी जबरदस्त चीज है, जब मैं इकतदार में आऊंगा, ये 2017 की बात है, सबसे पहले अर्शद हम इस शेल गैस को लेके आएंगे, मैं मार्शल शेल गैस स्टेशन से ट्रेनिंग लेके आया था और कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। देखिए आपने भी सुना होगा कि शेल गैस 105 ट्रिलियन CF का पोटेंशियल पाकिस्तान में, और अगर ये गैस 8 BCF डेली इस्तेमाल करे हमारे फिर भी 100 साल के लिए काम, 100 साल के लिए कोई पॉलिसी नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। आप सुनते हैं कि देखिए जो इनके मिनिस्टर हैं, मुझे बड़ा किला है जो हमाद अजहर है, टोटली इनकॉम्पिटेंट, एमेच्योर और एरोगेंट, इसलिए कि 10 दफा उसको कहा गया देखो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं किसी चीज में, लेकिन देखो ये रोड मैप है, ये स्टेप्स हैं, ये ऐसी है कि जैसे एक रेसिपी है कि किस तरह कुकिंग करते, एक एक चीज दी हुई है आप ये करें, लेकिन आपने देखा कि इस शख्स ने इतना ज्यादा डैमेज पीटीआई को किया, जिसमें मेरा ख्याल है कि इतना डैमेज ये इलेक्शन जो हारे हैं केपीके में उसमें इमरान खान ने नोटिस ले लिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। काश इमरान खान साहब इसको बुलाएं, कहेंगे यार देखो तुमने सेक्टर भी तब्दील कर दिया, तुमने पूरी मिनिस्ट्री रिशफल कर दी, बताओ है तुम्हें और क्या चाहिए, क्या तुम्हें बिल गेट्स का या आइंस्टाइन का ब्रेन चाहिए, तो वो तो नहीं मिल सकता। मुस्तकिल हल अर्शद साहब क्या हो सकता है इसका, क्योंकि हर सर्दी में हम इसी तरह की सिचुएशन देखते हैं। है एक सीरियसनेस, ये वही बंदा काम कर सकता है जिसका जो वाकई कहे कि पाकिस्तान फर्स्ट, कि पहले हम कहीं से एलएनजी नहीं लेके आएंगे, हम डोमेस्टिक आयरन गैस को एक्सप्लोर करेंगे, हम शेल गैस को यहाँ पे इंटरनेशनल, देखे एक A4 का साइज का पेपर होता है वो देना होता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कि आए यहाँ पे एक्सप्लोर करें। और मुझे अफसोस हुआ है कि वो जो पॉलिसी बना के दी जो 2012 में बनी है वो पॉलिसी फ्री ऑफ कास्ट बना के दी है, 12 बंदू ने टॉप के सच्ची पेट्रोलियम फार्मर जो है रजीउद्दीन साहब ने समय बना के दिया, उस पर अमल नहीं कर सके। तो अच्छा जब आप ये नहीं कर सकते, जब आप विली आप में नहीं है, यानी देखिए वो कहते हैं ना घोड़े को घास तक तो लेके जा सकते, घास खाना घोड़े का काम है, ये हमारा काम नहीं है। आपने बंदा इमरान खान साहब इसको कल बुलाए मीटिंग, उसे पूछें कि आज इसकी वजह से, मैं तो खैर गैर सियासी आदमी हूँ, पूरे पाकिस्तान में देखें क्या हाल है, बिल्कुल ऐसे ही है, बंदा है चाहे नहीं है। आपने मुझे आज क्लिप सुन रहा था कि इनका अपना MNA कराची से कह रहा है, मेरे ख्याल में इससे बड़ा डिजास्टर क्या होगा। ये तो एक इशू है ना जिसके ऊपर इनके MNAs या इनके पार्टी के रहनुमा इस तरह की बात करें, और भी बड़े इश्यूज हैं जिसके ऊपर इनके अपने ही लोग इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अर्शद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, थोड़ी सी जरा हमने उनसे जानने की किया कि इसका रीजन क्या है। उमर भट्ट साहब, सुना आपने अर्शद अब्बासी साहब को, वो कह रहे हैं इनकॉम्पिटेंस साथ साथ करप्शन भी है, डोमेस्टिकली जो ज़खायर मौजूद थे उनको टैप नहीं किया गया, तो फिर तो आपकी इसका मतलब प्रायोरिटी में शामिल नहीं है, ये अवामी मसला है ना कि गैस का बहरान होगा तो अवाम परेशान होगी। आयशा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ज़रा अब्बासी साहब की बात से इतफाक़ नहीं करता। अब्बासी साहब ने बड़ी जितनी भी गुफ्तगू की है उसके पैरामीटर सिर्फ ये थे कि 2012 में कोई पॉलिसी बनाई शायद ये उसका हिस्सा रहे हूँ, और उस पॉलिसी के ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकी। PTA की गवर्नमेंट 2018 में आई है, शायद काश ये 6 साल पहले का भी जिक्र करते कि उससे पहले भी इनकॉम्पिटेंसी थी जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी।
मैंने वो पॉलिसी पढ़ी नहीं है, उसके फ्लॉज या उसके मैरिट्स। वो कह रहे 2017 में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं आते साथ ही सबसे पहले ये करूंगा, ये जो आप बिल्कुल कहा होगा। मैं चूंकि उसका विटनेस नहीं हूँ इसलिए मैं उसके ऊपर डिबेट नहीं करूंगा। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, एट दिस मोमेंट आपकी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी बढ़ चुकी है पहले की निस्बत, क्योंकि आपने पिछले इन सालों में 4.5 लाख कनेक्शन दिए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा। फिर दूसरी बात यह है कि आपके पास इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर नहीं है जिसकी वजह से आप जाएं और जाके अगले दिन ज़ाहिर को ढूंढें और निकाल लें। जो इन्होंने शेल गैस का जिक्र किया उसके बारे में मैंने भी पढ़ा है, वो इतना आसान नहीं है शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करना और उसको फिर अपने सिस्टम में लेके आना। फिर वो जिन इलाकों में है उनके सिक्योरिटी इशूज़ अपनी जगह पर हैं। पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें आपने देख के उसके बाद उसके ऊपर अमल करना होता है। हमारी जो इस वक्त गैस का इशू है वो बतदरीज बेहतर होगा जब हमारे पास रशिया की तरफ से गैस आएगी। उसके ऊपर इन्होंने तो कहा बड़ा इनकॉम्पिटेंट आदमी है हमाद, लेकिन मैंने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जिसमें उन्होंने बड़ा डिटेल से हर चीज़ बताई है कि LNG जो है वो कमर्शियल यूजेज के लिए है। जब आप उसको डोमेस्टिक यूज़ की तरफ लेके आएंगे तो उसकी प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो जब तक आप अपने लोकल अदारों को थ्रू एक्ट ये नहीं करते, एम्पावर नहीं करते कि वो उसकी बिलिंग कर सकें, तो तब तक जो है आप ये वाली गैस जो है उसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं दे सकते। इसीलिए हमने इस पर वक्ती तौर के ऊपर बैन लगाया ताकि इसकी जो आगे ऑनगोइंग डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में, मेरे भी इलाके में, मैं भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियन हूँ, मेरे इलाके में भी यही इशू है, लोगों के पास गैस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त गैस नहीं, हमारे जो लोकल ज़हायर हैं वो डिप्लीट कर फौरी तौर पे लोगों के लिए क्या किया जा रहा है ताकि उनको देखिए फौरी तौर के ऊपर आपके पास जो रशिया से गैस आएगी वो 2023 तक आएगी, ठीक हो गया। ये जो पीक सीजन आपका है और आपकी इस वक्त जो है वो आप इंडस्ट्रियल यूजेज की तरफ ज़्यादा गैस दे रहे हैं ताकि आप, जब तक आपके पास पैसा नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अगर कार्गो भी मंगाना है तो यू नीड टू हैव मनी इन योर ट्रेजरी। तो इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि आपकी जो गैस है वो उसकी ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो है वो इंडस्ट्री की तरफ हो, सो दैट आप उस गैस की जो कीमत है वो वसूल करने के काबिल हो सके। आप इससे पहले भी LNG को अपने सिस्टम में, लोकल सिस्टम में पोर इन करते थे और 35 से 40 अरब रुपया इस चीज़ के ऊपर नुकसान उठा रहे थे। तो वो आके हमारी गवर्नमेंट ने एक सिंपल सी वो है कि सब्सिडीज और उसके साथ जो चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ट्रेजरी को नुकसान दे रही हैं उनसे हमने बचना है। तो इस वजह से आके हमने ये फैसला किया है कि गैस जब तक हमारे पास अपने लोकल ज़हायर में नहीं आ जाती या हम बाहर से सस्ती गैस नहीं लेके आ सकते तब तक हमें इन चीज़ों को, इस मुश्किल को फेस करना। 2023 तक के लिए यानी कि आवाम को अब इंतजार करना होगा जब तक गैस रशिया से नहीं आ जाती। ठीक है, अपने अगले टॉपिक की जानिब आ जाते हैं। बल्दियाती इंतखाबात अब दीगर सूबों में भी होने हैं लेकिन अभी दूसरा मरहला जो है वो बाकी है खैबर पख्तूनख्वा का। पहले मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त जो है उसके ऊपर वज़ीर आज़म भी काफ़ी परेशान है और उन्होंने मान भी लिया है कि हम अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। अब गलतियां क्या थी ये भी मैं बट साहब से जानने की कोशिश करूंगी। लेकिन राना एहसान अफजल साहब, मौलाना फजल रहमान साहब आजकल बड़े खुश हैं और वो कहते हैं कि जिन कुव्वतों ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जितवाया था बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने हाथ हटा लिया इसलिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हारी है। अब मेरा सवाल ये है कि आप लोग कहते हैं कि इन्होंने आवाम को बहुत ज्यादा तंग किया हुआ था, महंगाई, गैस का बहरान और पता नहीं क्या क्या, इस वजह से ये हारे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि ये अपनी नाअहलियों की वजह से नहीं हारे बल्कि जिन कुव्वतें, जो कुव्वतें इनको लेकर आई थी उन कुव्वतों के हाथ हटाने की वजह से हारे हैं। देखें, जो हमारी डिमांड है वो पहले दिन से यही है कि जो सियासी मैदान है उसमें कोई मुदाखलत ना हो, खास करके जो इलेक्शंस हैं वो न्यूट्रल हो। और बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो यही है कि ये इलेक्शंस न्यूट्रल थे और इसके अंदर जिस तरह मौलाना साहब ने कहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने कोई उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो एक ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर जो है, जो एक बड़ा मेजर फैक्टर है, वो एक तसलसल है चीज़ों का जो होता है इनकी हुकूमत के अंदर। इनके वादे जो ये इलेक्शन से पहले इन्होंने किए, इनके नारे, इनकी बातें, और फिर उनसे टोटली तौर पर यू टर्न ले लेना, फिर इनकी नाअहली जो कि आपको इनकी गवर्नेंस में नजर आई कि 6 दफा जो है FBR के चेयरमैन चेंज हुए, बहुत दफा फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हुए, चौथा वजीर खजाना, बाकी ब्यूरोक्रेसी को तो आप छोड़ दें, कुछ ऐसे भी सेक्रेटरीज हैं जो 12 दफा चेंज हुए, फिर वुजरा इनके बार बार शफलिंग हुई, तो इनकी किसी भी किस्म की एक टीम को फाइनलाइज ना करना और वो चीजें, फिर जो स्कैंडल्स, शुगर का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, चीनी का यानी के अद्वियात का स्कैंडल, और फिर उसके बाद मैं समझता हूं कि जो महंगाई, वो इतनी ज्यादा महंगाई कि एक आम आदमी जो है उसकी अब बस की बात नहीं है कि वो 15 दिन भी जो है वो अपनी तनख्वाह पे गुजार सके, फिर बेरोजगारी,
और फिर उससे बढ़ के मैं समझता हूं कि जो एक एक ये जो इनका जो बयानिया है जिसके अंदर सिर्फ कीचड़ उछालना है बाकी जमातों के ऊपर और खुद जिम्मेदारी ना लेना, और चौथे साल में भी यही कहना कि जी ऑपोजिशन ये छोड़ के गई या पिछली हुकूमतों का हम ये कर रहे हैं, और किसी भी शोबे के अंदर बेहतरी ना आना, तो ये देखें बेनकाब हो चुके हैं आप। और वो जो इनके जो जो बातें हैं, इसको जिस तरीके से भी ये चाहें कि शुगर कोट करें, अब वो बात बनती नहीं है। और देखें ये केपीके का इलेक्शन नहीं है, इससे पहले भी जो जिमनी इलेक्शन थे, चाहे वो डस्का का हो या लाहौर का हो या खानेवाल का हो या सिंध में हो या बलूचिस्तान में हो, तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि अब इस पार्टी का जो जवाल है वो शुरू हो गया है, और आने वाले भी जितने भी इलेक्शंस होंगे वो आपके सामने जरूर रिजल्ट आएंगे। मैं आज सुन रहा था कि कोई रिपोर्ट जो है वो उसके अंदर कहते हैं कि कोई रिश्तेदारों को टिकट दे दिए, कोई वर्करों को इग्नोर किया, ये भी फैक्टर होगा। लेकिन जो मैंने आपको बुनियादी फैक्टर्स गिनवाए, और जो है इससे एक और जो पॉइंट है कि इनका जो एहतसाब का नारा भी था वो भी वन वे था, वो भी एक्सपोज हो गया कि कुछ अब ये कहते हैं कि हम पीटीआई वर्सेस पीटीआई था, एक एक जगह से हम ये देख रहे थे कि दो दो तीन तीन उम्मीदवार पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ही थे, तो पीटीआई पीटीआई से ही हारी है। शहादत आवान साहब, आपको लगता है कि पीटीआई जो क्लेम कर रही है कि हमने टिकट्स की तकसीम ठीक से नहीं की, अगर ये टिकट्स की तकसीम ठीक से कर देते तो नतीजे मुख्तलिफ हो सकते थे? देखें, सबसे पहली बात तो आयशा ये है कि अरशद अब्बासी साहब जो कुछ आपके सामने कह के गए हैं उससे आप स्किप न करें। मेरे ख्याल में एक दोस्त जो है मौजूदा गवर्नमेंट की नाइली करप्शन, गरूर, तकबर, सब कुछ वो आपके सामने जो है बिल्कुल खुलेआम रख के गए हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जब अपोजिशन में थी, इक्तदार में नहीं थी, तो उनका बयानिया क्या था, इक्तदार में आने के बाद उनकी पोजिशन क्या है। इससे आगे हम चलते हैं, जहां तक जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है, तो आपको याद होगा कि पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट क्यों गई थी, इसका मतलब ये है कि उनका सुप्रीम कोर्ट अर्जी ले जाने का मकसद ये था, उन्हें अंदाजा था कि हमारी जो पोजीशन इस किस्म की नहीं है कि हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, क्योंकि इन्होंने जितने भी आप बाय इलेक्शन हुए हैं उसमें इन्होंने अपनी पोजिशन जो है इन्होंने भांप ली थी, और उसके बाद ये मौजूदा जो इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट के हुए हैं इसने दो बातें साबित की हैं। पहली बात तो इन्होंने ये साबित की है कि इनका कोई वोट बैंक नहीं है, अवाम में जो महंगाई है, इनकी जो करप्शन है, इनकी जो नाअहली है, अवाम उसकी वजह से तंग आ चुके हैं। और दूसरा ये बात वाजे हो गई कि 2018 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, जो लोग कहते थे कि इनके ऊपर हाथ था, ये इनको आरटीएस जो है वो लेके आया, और तभी आज जो है वो ईवीएम की बात करते हैं, वो बात भी खुलकर सामने आ गई, इसको भी आप छोड़ दें। बात यह है कि अगर मुझ जैसा पोजीशन वाला ये बात करे तो हो सकता है कोई यकीन न करे। मैं ये कहता हूं इनका नूर आलम खान इनका अपना एमएनए है, उससे किसी ने पूछा तो उसने मीडिया पे कहा कि देखें पहली बात तो ये है कि इलेक्शन हारने की वजह हमारी हुकूमत की नाअहली है, अकरबा परवरी है, इनकम्पिटेंसी है, करप्शन है, ये नूर आलम साहब का कहना है। नूर आलम एक साफ गो आदमी है और इनका अपना पार्लियामेंटेरियन है, अपना एमएनए है, बिल्कुल ये कहा, बिल्कुल यही कहा उन्होंने जो बात की है वो सुन भी लेते हैं, जरा हमारे पास उनका शॉट मौजूद है, जी चलाइएगा। अपनी कमजोरियां देखें, आपको क्यों वोट नहीं मिले, पहले आपको वोट मिले 2018 में 13 में और आपको अभी नहीं मिल रहे लोकल बॉडीज में, और आपके अपने जो वर्कर हैं वो टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, आपके विलेज काउंसिल्स में आपके तो टिकटों पे नहीं हुए, मतलब उनको चाहिए था, हम जाते हम उन्हें कहते थे कि आप लेकिन वो नहीं ले रहे थे। जी शहादत साहब, आप यही बात कर रहे थे और इनकी बात हम पहले भी अपने शोज में कर चुके हैं, नूर आलम खान साहब जो हैं उन्होंने पहले भी इस तरह की बात की है, और इनके ऊपर इल्जाम भी लगा था डेप्यूटी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जानिब से कि उनके भाई को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनको सपोर्ट किया, वो आगे से ये कहते हैं कि हमारा तो कोई टिकट लेने के लिए भी तैयार नहीं था। देखें उसके अलावा मैं कहूं कि इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद भी वहां पे हल्के में गए, केपीके में गए, वहां पे उन्होंने स्कीमें अनाउंस की, उसके बावजूद इनकी ये हालत है। आप ये देखें कि जनरल इलेक्शन में जब ये जा चुके होंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, तो इनकी पोजीशन क्या होगी। तो मैं ये कहता हूं
कि इस मुल्क में आप किसी का दरवाजा बजा के देख लें, किसी आदमी को देख लें, महंगाई को छोड़ दें, जो जरूरत की अशिया हैं वो लोगों को मुहैया नहीं है, इनकी कोई देख लें, कोई इनकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, इनकी कोई और इंटरनल पॉलिसी नहीं है, कोई फाइनेंस पॉलिसी नहीं है, बल्कि इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर भी मेरे ख्याल में आज साढ़े जब चौथे साल में दाखिल हो चुके हैं तो आज इनको फाइनेंस मिनिस्टर साहब ही आज इनको मुहैया होंगे। तो मेरा कहना यह है कि ये मौजूदा हुकूमत हमारे ऊपर जो मुसल्लत की गई है इसको जल्द से जल्द जो है जब तक हटाया नहीं जाएगा उस वक्त तक आवाम के हालात जो हैं वो सही नहीं होंगे। हाँ, एक चीज में इन्होंने तरक्की की आयशा, वो मैं बताऊं कि इन्होंने आप ये देख लें कि जितने भी ग्रोह हैं, इंतहा पसंद ग्रुप हैं, ग्रोह हैं, उनके साथ इन्होंने रातों के अंधेरों में वादे किए, और ये बल्कि उससे इंप्रेशन मुल्क के खिलाफ गया कि हुकूमत जो है पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो शायद कमजोर हो चुकी है, इन दहशत गर्दों के आगे दब चुकी है, और दूसरा किसी बात पे वो ठहरते नहीं है। एक बात के ऊपर अगर वो स्टैंड लेते हैं या जाके ठहरते हैं तो मैं समझता हूँ फिर भी कोई बात होती। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया शादी साहब, आपका पॉइंट आ गया। उमर भट्ट साहब, आप सुन रहे हैं सारी बातें, क्या रीजन है जी, सुन इन सब की बातों का क्या जवाब देंगे आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? हर ऑपोजिशन की तो बात छोड़ ही दे, अब तो आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा और एमएनए जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है वहां पर, और आप कह रहे हैं कि पीटीआई वर्सेस पीटीआई थी। गुजारिश सिर्फ ये है, मैं नूर आलम साहब ने जो बातें की शायद एक पर्टिकुलर हल्के की हद तक वो बातें ठीक हों, उनके अपने इलाके में शायद इस तरह की कोई सूरत हाल हो, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ तक पीटीआई के वर्कर की बात है तो आप इंडिपेंडेंट देख लें, वो सारे के सारे का तकरीबन ताल्लुक पीटीआई से था जो जीते भी हैं। उसके अलावा जितने लोगों ने किसी भी हलके में इंडिपेंडेंट, उनको क्यों करना पड़ गया, क्यों? इसलिए कि जब टिकट नहीं मिलता, देखिए टिकट का प्रोसेस जो है ना एक बड़ा, पीटीआई ने एक बड़ा डिफरेंट प्रोसीजर रखा हुआ है। आप एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, उस इंटरव्यू के बाद एक पैनल है जो सिलेक्शन करता है। अब उसमें गलती कोताही की गुंजाइश होती है, उसमें अकरबा परवीर की भी गुंजाइश होती है, उसमें नेपोटिज्म भी आ सकता है, उसमें बड़े फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैं उसकी डिबेट में नहीं जाऊंगा। परवेज खटक साहब के बेटे को टिकट मिला, ठीक है, शहराम तरकई साहब के चचा को टिकट मिला, अली अमीन गंडापुर साहब के भाई को टिकट मिला, जो सूबाई वजीर है मलिक शाह मोहम्मद उनके बेटे को मिला, डिप्टी स्पीकर महमूद जान के भाई को मिला। आप ठीक कह रही होंगी, अरबाज जान के भांजे को मिला। लेकिन आपकी जमात पे इल्जाम ये लगता है कि आप लोग मौरूसी सियासत के खिलाफ थे, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने पार्टी वर्कर को वोट नहीं दिया, बल्कि को टिकट नहीं दिया, बल्कि टिकट आपने दिया जो वहां पर पीटीआई के रहनुमा मौजूद हैं, जो वुजरा मौजूद हैं, उनके भाई बेटे और चचा को, इसलिए पीटीआई हार गई। अग्रीड, आपकी बात जो है, मैं जो आपने बातें की, मैंने पहले कहा नेपोटिज्म अकबरा परवी, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिबेट में नहीं जाऊंगा, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हुआ हो। माई पॉइंट इज डिफरेंट, अगर एक वर्कर है और वो पीटीआई के लिए काम कर रहा है, वो किसी का रिश्तेदार या भांजा या भतीजा, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। वो ऐसे नहीं हुआ कि उसका जो, चूंकि उसके चचा भाई या कोई वो सियासत में थे और वो खुद वर्किंग नहीं कर रहा था, तो उसकी जगह पे उसको अकोमोडेट कर दिया। मेरिट पर हुआ है, यानी कि आप ये कह रहे हैं? मैं नहीं, जो टिकट दिए गए मेरिट पर दिए गए, चाहे वो किसी के, मैं ये नहीं कह रहा, अगर मेरिट पे दिए होते तो खान साहब को ये ट्वीट करने की जरूरत ही ना पड़ती। माय पॉइंट इज कि गलती कोताही की गुंजाइश होती है। यहाँ पे दो बेसिक प्रॉब्लम्स है, हमने इससे पहले कैंट बोर्ड की भी सारा रिव्यू किया है, जो कैंट बोर्ड में पीटीआई को मेजर सिटीज से हुई, वैसे तो हमारी ओवरऑल 17 से बढ़ के हम लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभरे, लेकिन जो शिकस्त की वजह बनी वो बेसिक वजह ये थी कि पीटीआई के जो पीटीआई पहली दफ़ा प्रैक्टिकली लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में गई, जब वहाँ पे गई तो पता चला कि हमारे बहुत से ऐसे दोस्त, ऐसे वर्कर जो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते थे कि वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सकते, वो इस ख्वाहिश के साथ उतरे और उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। अगर उसको, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो तब भी उन्होंने इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया। तो ये वो धड़ेबंदी है जिसकी वजह से बेसिक, हाँ उसके साथ कपल्ड विद दिस, उसके साथ महंगाई का इशू है, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई का जिन इस वक्त बेकाबू है, लेकिन इट रिक्वायर्स प्रैक्टिकल स्टेप्स जिसके जरिए उसको कम किया जा सकता है, उसको आप ओवरनाइट नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस जमातों की तरह हम सिर्फ ये सोचते कि सब्सिडी दें और उसके बाद लोगों को खुश करें, राजी करें और उनसे वोट लेके उनको फिर तंग करें, ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान हैज़ अ डिफरेंट फिलॉसफी। खान साहब का ये सोच है कि जब तक आप अवाम के साथ सच नहीं बोलेंगे आप आगे चल नहीं सकते। तो हम इस वक्त एक ट्रू पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं अपनी नेशन के सामने कि ये वो हालात हैं जिनमें हमें गवर्नमेंट मिली, ये वो हालात हैं जिनमें हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की, मेरे ख्याल में जो प्राउड मूवमेंट्स हमारी फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को दिए हैं वो इससे पहले अरसा दराज था। ओआईसी इससे पहले कब हुई है?
आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस वक्त 57 स्टेट्स जो है वो आपके मुल्क में आई हैं, इससे पहले आप सोच भी नहीं सकते थे। तो इस तरह हमने उसके ऊपर भी वो तनकीद करते हैं कि कश्मीर का इशू क्यों नहीं उठाया गया ओआईसी इजलास में। देखना एक इनका काम है तनकीद करना, हमें तो क्यों नहीं उठाया गया कश्मीर के मामले पर, क्यों बात नहीं की? वो क्या पॉलिसी बनी, क्या उसके पैरामीटर्स थे, वो मैं चूंकि उसका मैं इस वक्त उसके ऊपर बयान नहीं दे सकता। वो ओआईसी में क्या वो एक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने किस चीज़ के ऊपर बात की, क्या एजेंडा था, डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, इनकी ये तनकीद अगर अपनी जगह पे है कि कश्मीर की बात नहीं की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दोबारा इसको होस्ट करेंगे, हम दोबारा उसको जरूर एजेंडा के ऊपर रखेंगे। वैसे फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है कि मार्च में जो ओआईसी इजलास होगा उसके अंदर कश्मीर का एजेंडा रखा जाएगा। तो हम अपनी बेहतरी, हम अपनी गलती को मानते हैं और उसकी बेहतरी और इस्लाह की तरफ जाते हैं। हमने सिर्फ तनकीद बराए तनकीद के ऊपर हम ना यकीन रखते हैं ना करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको थोड़ा सा इनको भी चाहिए कि जो चीज़ें अच्छी हो, हाँ अगर ये यही कहते हैं ना कि ओआईसी का इजलास पाकिस्तान में होना और पाकिस्तान को उसको होस्ट करना इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ पीटीआई, लेकिन ये उसके साथ गलती की है, तो मैं बिल्कुल कहता जी आपने ठीक बात की है, लेकिन आप सिर्फ एक अच्छी चीज़ में से भी आपने अगर कीड़े निकालने तो इसका मतलब है आपका पर्पज और एजेंडा इज़ टोटली एंटी पाकिस्तान। ठीक है राना एहसान साहब, पीडीएम जो है वो हम देख रहे हैं कि इंतखाबी मैदान में काफ़ी कामयाबियां हासिल कर रही है, JUIFA को देख लें या नून लीग ज़मीनी इंतखाब में काफ़ी सीटें जीत रही है, तो अब आप लोग लॉन्ग मार्च या इन हाउस तब्दीली के ऊपर कुछ सोच रहे हैं या फिर अगले इंतखाबात का ये इंतज़ार किया जा रहा है? देखिए जो पीडीएम है उसने अपना लॉन्ग मार्च का जो स्केड्यूल है वो तो आवाम के सामने रख दिया है और वो इंशाल्लाह ताला स्केड्यूल के जो है वो मुताबिक ही होगा। जहां तक इन हाउस की बात है तो वो भी अंडर कंसिडरेशन है, वो कब होती है, कैसे होती है और क्या उससे पाकिस्तान के मिसाइल में जो है वो कमी आती है, तो ये सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन है, उसमें चैलेंजेस भी हैं। हम तो समझते हैं कि अब जनरल इलेक्शन जो है वो जल्द अज जल्द हो जाने चाहिए, तो अगर इन हाउस से वो हदफ जो है अचीव होता है तो जरूर उस पर जल्द आप देखेंगे कि जो है वो स्टेप्स ले लिए जाएंगे। लेकिन कबाहतें भी यही हैं कि अगर इन हाउस चेंज आ जाती है तो जो क्या जो भी कोएलिशन गवर्नमेंट आती है तो क्या वो 3 महीने के हुकूमत को डिसॉल्व करके क्या 3 महीने में इलेक्शन करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, तो ये वो कबाहतें। लेकिन मैं समझता हूं कि आपने सही फरमाया कि पीडीएम को जो है वो ज़िमनी इलेक्शंस में एक अब तसलसल बन चुका है जीत का, और वो उसकी वजह यही है कि हमारा जो बयानिया है वो अवाम के दिलों में जो है वो घुस गया है, ये जो हाइब्रिड निजाम है ये फेल हो चुका है, ये जो हुकूमत है ये अवाम को किसी तौर पे भी डिलीवर। लॉन्ग मार्च की तैयारी फिर कर रही है नून लीग, पीडीएम तैयारी कर रही है लॉन्ग मार्च की? ऐसा कुछ बिल्कुल बिल्कुल हो रही है, लॉन्ग मार्च की जो है वो तैयारी जारी है। और लीड कौन करेगा, लीड कौन करेगा इस लॉन्ग मार्च को? इसका फैसला ऐसा होना है अभी, जितनी जमातें जो पीडीएम का हिस्सा है वो उसके अंदर इक्वली जो है वो नून लीग की तरफ से कौन लीड करेगा, मरियम नवाज साहिबा करेंगी या शहबाज शरीफ साहब करेंगे? मेरे ख्याल से दोनों लीडरान जो है अपना रोल अदा करेंगे और भरपूर तरीके से अदा करेंगे। उमर भट्ट साहब पर्ची डालनी पड़ेगी उसको? उमर भट्ट साहब कह रहे हैं कि कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा। देखिए आपको लॉन्ग मार्च की जगह ये कहनी चाहिए कि महंगाई कम हो जाएगी या डॉलर को हम जो है वो 182 से जो है वो 175 पे ले आएंगे, इसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। इनका फोकस जहां होना चाहिए बदकिस्मती से है नहीं इनका जो और यही इस हुकूमत का प्रॉब्लम है कि जो 3.5 साल जो गुजर चुके हैं उसके अंदर इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन को हदफ बनाया है, इन्होंने महंगाई को, मुल्क की तरक्की को, मुल्क की बेहतरी को जो है वो फोकस नहीं किया। ठीक है एहसान साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक कमेंट लेने थे शहादत साहब से, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। शहादत आवान साहब आप क्या समझते हैं, वैसे तो अब्दुल जलील जान साहब हमारे साथ JUIFA से मौजूद थे 2 रोज पहले, वो कह रहे थे कि हो सकता है लॉन्ग मार्च से पहले ही ये गवर्नमेंट चली जाए, और आज उमर भट्ट साहब भी कह रहे हैं कि कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, तो आप देख रहे हैं लॉन्ग मार्च होता हुआ पीडीएम का, और आपका क्या प्लान है फिर इस लॉन्ग मार्च के सिलसिले में? देखें बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने जो पहले दिन बात की थी आज भी हम उसके ऊपर हैं। आपको याद होगा पीडीएम से अलहदगी की वजह ये थी कि पीडीएम के दोस्तों का कहना यह था कि रिजिग्नेशन दें और उसके बाद जो है इलेक्शन में जाएं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना यह था कि आप एजुकेशन करें और इन हाउस जो है चेंज की बात करें। लेकिन हमारे चंद दोस्त उस बात पे नहीं थे, लेकिन आज हमारे दोस्त जो हैं उसी धरने की तरफ हैं, वो कि उन्होंने 4 महीने के बाद रखा है,
लेकिन जो जनरल पब्लिक कहती है, मैंने आपको गुजारिश की जिस तरीके से आप अरशद अब्बासी साहब से बात कर रहे थे, अवाम इतनी तंग आ चुकी है और ये खुद समझते हैं कि इस वक्त हमारा अवाम के ऊपर मुसल्लत रहना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो हो सकता है कि ये सियासी शहीद बनना चाहें और ये चाहें कि मौजूदा हालात इस किस्म के हैं। शहादत साहब, ये तो बताइए कि ये जरदारी साहब के पास ये फॉर्मूले की पेशकश लेके कौन आया था, कौन उनसे फॉर्मूला मांग रहा है? देखें, बात यह है कि जरदारी साहब जो हैं, ये मेरी पार्टी के को चेयरपर्सन हैं और एक बहुत ही, मैंने कहा कि एक्सपीरियंस और तजर्बेकार जो हैं सियासतदान हैं, और वो उनके जो उनका जो स्टेटमेंट है उसको सियाको संभाग के साथ आपको मुकम्मल तौर पर देखना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जावेद हाशमी साहब ने एक जमाने में कहा था कि जरदारी साहब की बात जो है उसको समझने के लिए PhD जो है होना लाजमी है। तो मैं तो वैसे भी वर्कर हूं और PhD नहीं हूं, और वैसे भी मैं अपने लीडर के स्टेटमेंट के ऊपर तबसरा जो है एक वर्कर का मुनासिब बनता नहीं है। आपने सियाको सभा की बात की ना, तो वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है तो आप ही ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि उनकी बात का मतलब क्या था। इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे एक बात, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम शहादत आवान साहब से बात कर रहे थे कि जो जरदारी साहब ने बात की है कि उनके पास कौन फार्मूले की पेशकश लेकर गया, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि इसको सियाको सबाक के मुताबिक देखना पड़ेगा या उससे हटके देखना पड़ेगा। जी शहादत आवान साहब, ज़रा बताइए, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही है। मैंने दो तीन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से यही सवाल किया है। देखें, तो मैंने कोई कहता है कि वो दूसरे सियासी जमात जो है वो आ सकते हैं, वो उनके पास पेशकश लेकर आए होंगे, या फिर आवाम जो है वो फार्मूले की बात कर रही होगी। किसने की है ये पेशकश? देखिये, मैंने आपको ये कहा कि जरदारी साहब का जो बयान है उसको सियाको जो है सियाको सबाब के साथ मुकम्मल तौर पर उसको देखना होगा। आप उसको जो है ना बायफर्केट करके नहीं देख सकते हैं। और जरदारी साहब जो कुछ कहते हैं, यकीनन वो एक सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, वक्त के हिसाब से जो कुछ कहते हैं वो वक्त साबित करेगा कि जो आसिफ साहब ने जो कुछ कहा वो आपको चंद अरसे करीब में आपको ये नजर आ जाएगा कि जरदारी साहब ने जो कुछ कहा क्या वो सही था या गलत था। खाली PTI का जो अकबर एस बाबर साहब का जो पार्टी पे PTI का फंडिंग का केस है उसका फैसला आने दें, उसके बाद फिर उस दिन आप पूछिएगा कि जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट था उन्होंने जो कुछ कहा वो था। तो बात ये है कि आप तो जितने जहन होंगे जितनी सोच भी, पहले मैं आपको कह चुका हूँ कि जावेद हाशमी साहब ने जो कुछ कहा था ना कि उनके बयान को समझने के लिए PhD का होना लाजमी है, तो शहादत आवान ना है तो PhD है और ना ही वो, मैं उनकी पार्टी का एक वर्कर हूं और मैं अपने लीडर के स्टेटमेंट के ऊपर किस हैसियत से जो है वो कमेंट कर पाऊंगा। लेकिन जरदारी शहादत आवान साहब जो बात जरदारी साहब ने की उससे तासुर ये मिलता है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट जो है उनकी तरफ से उनको कोई पैगाम गया कि आइए हमारे साथ कोई फॉर्मूला बनाए, हमें मुश्किल हालात से निकाले। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस जमात को पहले निकाले, उसके बाद हम फॉर्मूला बनाएंगे और मुल्क को संभालेंगे भी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है कि ये जमात जो है सेलेक्टेड है, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान को सेलेक्टेड के लकब से पुकारा जाता है आपकी पार्टी की जानिब से। तो फिर उसके बाद अगर ये बातचीत एस्टैब्लिशमेंट से आपकी जमात की होती है तो फिर हम क्या समझे? देखें, मैं गुजारिश ये करूं कि आपने खुद पहले कहा कि ये तासर लिया जाता है, आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, आसिफ साहब की जो है अपनी राय हो सकती है। तो हर आदमी इंटरप्रिटेशन, जैसे देखे ना किसी कोई केस ला भी होता है उसके ऊपर भी दो एडवोकेट खड़े होते हैं तो अपनी मर्जी की जो इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। आसिफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से आपकी मुराद कुछ हो सकती है, मेरी मुराद कुछ हो सकती है। आसिफ साहब ने किसी अदारे का मैं नहीं समझता हूं कि नाम लिया है, और ये वक्त बताएगा कि आसिफ साहब ने किसकी तरफ इशारा किया था। मैंने आपको ये कहा कि पार्टी फंडिंग केस का जो है रिजल्ट आने दें, आपको नजर आ जाएगा कि हमारा इशारा किस तरफ था। ठीक है, शहादत आवान साहब का पॉइंट आ गया। जी उमर भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं कि हर बंदा अपनी अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन कर रहा है उनके बयान की? पहली बात, उन्होंने ये जो मिसाल दी है ये गलत है। जो वकील खड़े होते हैं वो हमेशा प्रेसिडेंट को देखते हैं और प्रेसिडेंट से वही विड्रॉ होता है जो उसका बेसिक थीम होता है।
जहाँ तक बात रही जरदारी साहब की, तो जरदारी साहब से मेरे ख्याल से गलती हो चुकी है जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर दिया। पीपल्स पार्टी हमेशा से एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगाती हुई आई है, फिर इन्होंने पीडीआई की गवर्नमेंट पे जितनी बातें की उसके बाद इनका ये बयान कि हाँ जी हमारी डील हो चुकी है और हम फॉर्मूला के लिए तैयार हैं और आप इनको पहले निकालें और उसके बाद हम मुल्क को ठीक करेंगे। मुल्क को ठीक करना होता तो आप पहले बड़ी कर लेते, आपको बड़े मौके मिले थे, तो ये इसलिए इस तरह के आपके बयानों से अब कुछ नहीं बनने वाला। मेरे ख्याल से उन्होंने एक बड़ा भोंडा और घटिया किस्म का बयान दे दिया जो जिसके ऊपर मेरे ख्याल में उनकी अपनी पार्टी के लोगों को अब समझ नहीं आ रही कोई कह रहा है अवाम आप एमपी हैं, आप एमपी हैं, आप पार्लियामेंट साहब, मैं आपकी मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं आपकी बात में नहीं बोला, मैं आपकी बात में नहीं बोला, मेरी पहले आप मेरी गुजारिश, मेरी बात खत्म हो लेने दें, मैं आपकी सारी बात सुन लूंगा। मेरी बात आप दरमियान में ना कट करें क्योंकि इस तरह मैं आपकी बात सुन साहब, जरा सबर और हौसले से आप, मैं आपकी रिक्वेस्ट मैंने सुन लिया, आप अपने टाइम पे रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं आपके जब आप अपने टाइम पहले शहादत साहब की बात सुन लीजिए। जी आप बताइए क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम उमर भट्ट साहब। मैं उमर भट्ट साहब से मैं ये कह रहा हूँ कि हम अखलाकियात के दायरे में, मैंने कोई अखलाकियात से गिरा हुआ लफ्ज नहीं बोला। आप पहले आवाज सुने, आप बड़े एजुकेटेड आदमी है, मुझे आपकी बड़ी इज्जत है, लेकिन आपने से उम्र से बड़े एक आदमी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहा, एक एमपी है, उसके लिए भोंडे और इस किस्म के अल्फाज कहे, बट सब आप जैसे आदमी भोंडा मेरे ख्याल में कहीं से गैर पार्लियामेंट, या तो आप मुझे ये साबित करें, अच्छा आप भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा है, पहले मुझे ये बता दे कि भोंडा जो है गैर पार्लियामेंट लफ्ज है। शहादत साहब पहले आप, नहीं 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 बात आप मेरे टाइम में शहादत साहब बोलेंगे तो मैं इनके टाइम में बोलने दूंगा। मैंने आपकी बात सुन ली है, थोड़ा सा उनको कंप्लीट, उनको कंप्लीट तो करने दें। पहली बात ये है आपके नॉलेज के लिए भी है कि भोंडा जो है वो गैर पार्लियामानी लफ्ज नहीं है, तो अगर आपको वो बुरा लगा तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, आप पहले जाके डिक्शनरी में चेक करें। अगर तो गैर पार्लियामानी लफ्ज होता तो मैं जरूर माजरत कर लेता। मैं आपकी ख्वाहिशात के ऊपर नहीं चल सकता शहादत साहब, मैं आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल सकता, मैं अपनी पार्टी बात यह इक्तदार तक जाने के लिए इनकी लालच जो है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इनको ये लग रहा है कि चूंकि पीटीआई ने जो फैसले किए हैं, जो पॉलिसीज बनाई हैं, उसकी वजह से अवाम में उनकी मकबूलियत कम हो रही है और ये इस तासुर की वजह से ये अपनी तैयारी पकड़ रहे हैं कि हमारी किसी तरीके से डील हो जाए और हम ऊपर जाके बैठ सकें, जो कि ऐसा नहीं होने वाला। मेरे अपनी जाती राय में पाकिस्तान में मार्शल लॉ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो डील्स और ये वाला जो दौर था वो खत्म हो चुका है। अब अवाम कारकर्दगी की बेसिस के ऊपर ही वोट देगी और आपको इंशाल्लाह 2023 में पता चलेगा कि पीटीआई ने जो पॉलिसीज बनाई, हमने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसीज हैं। सबसे पहली ये है कि हमने अवाम के साथ गलत बयानी नहीं करनी, जो है वही अवाम को दिखाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक हालात जो कि बुरे अवाम फेस कर रही है तो वो लीडर्स भी फेस करेंगे। हाँ मैं ये चूंकि इन लोगों ने अपनी जेबें इतनी भर ली हैं, शायद इनको इस चीज़ से फ़र्क ना पड़ता हो, ये महंगी सीएनजी भी ले सकते हैं, महंगी एलएनजी भी ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पीटीआई के लोगों की बात है तो हम अल्लाह के फजलो करम से अवाम में रहते हैं और हमें उनकी तकलीफ। उमर साहब आपने कहा कि आपकी जमात जो है सबसे पहली बात कि वो अवाम के साथ गलत बयानी नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी, जो जलसे होते थे, बड़े जलसे मैंने भी कवर किए हैं, वहाँ पे हम खान साहब को सुनते थे, खान साहब की जो बातें होती थी वो कहते थे आते साथ ही अगले दिन पता नहीं कितने $100 अरब जो हैं मुल्क में आ जाएंगे, जो IMF है उसके पास हमें जाना नहीं पड़ेगा, IMF के पास अगर मुझे जाना पड़ा तो, जो वो कहते थे वो आपको भी पता है। तो आवाम ने तो उसकी वजह से आपको वोट दिया था कि ये जमात आएगी तो तब्दीली, एक अच्छी तब्दीली लेकर आएगी, लेकिन जो तब्दीली हम देख रहे हैं, जो आवाम का मसला है महंगाई है, जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं, गैस बहरान है, आवाम को तो इन चीजों से फर्क पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, एम्बिशंस, गोल्स, सोच ये डिफरेंट हो सकती है लेकिन उसके पीछे नियत जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। इस वक्त पूरी दुनिया की 17 इन्फ्लुएंशियल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज में से खान साहब का नाम सबसे टॉप पे है, उनके तमाम कोर्ट्स जो है वो इस चीज़ को रिकग्नाइज कर चुकी हैं कि आपका लीडर एक ईमानदार आदमी है। अब अगर एक ईमानदार आदमी सीधे रास्ते पे जाना चाह रहा है और वो कोशिश कर रहा है तो उसके रास्ते में हर्डल्स भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और जब कभी भी किसी भी डायरेक्शन को चेंज किया जाए, किसी शिप की भी डायरेक्शन को चेंज किया जाए तो इट टेक्स टाइम। अब वो जो टाइम है और वो जो तकलीफ है वो हम सब ने मिलकर बर्दाश्त करनी है।
और एक बार ये अभी पिछले दिनों में भी खान साहब ने एक दफ़ा फिर इस चीज़ का आदा जाहिर किया कि मैं अपने मुल्क को बुहरान से निकालूंगा, एंड आई हैव ट्रू फेथ इन द जेंटलमैन के ही विल बी एबल टू डू दैट, क्योंकि उनकी उनकी नीयत ठीक है। सही, फैसलों में गलती ज़रूर हो सकती है लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ। ठीक है राणा एहसान साहब, नीयत ठीक है खान साहब की और वो वक्त आने पर निकालेंगे भी बहरानों से, तो फिर अपोजिशन क्यों तनकीद करती है जब नीयत ठीक है और वो करने के लिए तैयार भी हैं? थोड़ा सा सब्र कर लें। देखिए वो जस्टिस वजीउद्दीन ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि इनकी नीयत कैसी है और ये कितने ईमानदार हैं, और फिर इनके एक वजीर ने कहा कि जी हम इनके ऊपर लीगल एक्शन लेके जाएंगे, और मेरे ख्याल से हफ्ता तो गुजर गया है, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया, और जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा मैं इंतजार करूंगा आप बनाए मेरे पे। जहांगीर तरीन साहब ने तो तर्दीद कर दिया ना कि मैंने कभी कोई रुपया एक पैसा नहीं दिया बनीगाला के लिए, लेकिन वजीउद्दीन साहब ने कहा कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ा हूँ, जो मैंने बात की है मैं उसके ऊपर स्टैंड लेता हूँ, आपने केस करना है तो आप केस बनाए, अभी तक केस नहीं हुआ, एक हफ्ता गुजर गया है। इसी तरह बनीगाला जो है जिस तरह रेगुलराइज हो जाता है, जिस तरह चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, एलएनजी स्कैंडल, तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपको बताती है कि 117 से 124 पे चला गया, मुल्क जो है वो बदतर हो गया। बाकी इनकी अगर इसी तरह की नीयत है और यही नीयत अगर चलती रही तो मेरे ख्याल से मुल्क कर्जों में और डूब जाएगा, जो कर्जे हमने लिए और जो इन्होंने लिए वो उससे डेढ़ या दो गुना ज्यादा जो है वो इन्होंने कम टाइम के अंदर ले लिया, मकरूज कर रहे हैं, अभी मिनी बजट आने लगा है जिसके डॉलर के रेट की वजह से। ये कहते हैं कि हम लोग पिछली हुकूमतों के कर्जों को उतारने के लिए कर्जे ले रहे हैं, 20 अरब डॉलर वापस किया राणा साहब, उसकी भी थोड़ी सी तारीफ कर देते तो मुझे खुशी होती। मैं बताता हूँ, हम जब एक्सटर्नल डेट जो होता है ना, जो बैरूनी कर्जे हम छोड़ के गए थे तो 95 बिलियन US डॉलर्स पे छोड़ के गए थे, अभी 127 अरब US डॉलर्स पे जो है वो कर्जे खड़े हैं। राणा साहब उसके साथ डॉलर की प्राइस बढ़ने से कितना फर्क पड़ा है? एक मिनट, 32 अरब डॉलर कर्जों में इजाफा किया है इस साल का। मैं आपको बजट बता देता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि ये मसला बना क्या हुआ है। इस साल इन्होंने बजट किया था कि इन्होंने 12 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने और 17 अरब डॉलर के अजाफी कर्जे लेने, ये इनका बजट का हिस्सा था। अब क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट 15 अरब से भी क्रॉस करने के इम्कानात हैं, तो इस साल जो इन्होंने डॉलर बोरोइंग करनी है वो 25 से 30 अरब डॉलर के दरमियान होगी, और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर डॉलर जो है वो रुपया 200 क्रॉस करेगा या उससे भी शायद ऊपर चला जाए। तो ये इन्होंने वापसी की है। देखिए इन्होंने बदकिस्मती से जिस शोबे को आप PIA की बात करते थे, PIA तबाह कर दिया, रेलवे तबाह कर दिया, सारों के अंदर ठीक है। ठीक है आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास वक्त कम है, मैं शहादत आवान साहब से एक सवाल कर लूं। शहादत आवान साहब, हुकूमत अब जो मिनी बजट लेकर आना था वो पार्लियामेंट में लाने की बजाय ऑर्डिनेंस के जरिए लेकर आने का उन्होंने फैसला किया है, तो अब इस पर ऑपोजिशन की क्या हिकमत अमली होगी? देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये याद कराऊं कि चौथे साल में जो नया इनका सेनेटर इनको मिला है वजीर खजाना, आज उन्होंने 12 जून को जो है बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस माली साल में कोई मिनी बजट नहीं आएगा। बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूं कि वो अपने माहौल में वो भी रंगे गए हैं और उन्होंने भी यू टर्न लेने जो है वो शुरू कर दिए हैं, और मैं ये समझता हूं कि मिनी बजट किसी तूफान से कम नहीं होगा, और ये एक बात यकीनी बात है कि ये IMF के कहने के ऊपर उनके वजह से ये इस तरीके से अगर मिनी बजट लेके भी आते हैं तो पहले जो महंगाई है वो कई गुना जो है बहुत आगे चली जाएगी। अभी आप ये देख लें कि जिस तरीके से ये अगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ जाती है या बाकी जो जितनी एग्जेम्पशंस हैं वो अगर उनको विड्रॉ कर लेते हैं तो पाकिस्तान इस वक्त किस पोजिशन पे खड़ा है और किस पोजिशन पे होगा? जो वो वाली बातें जैसे नूर आलम साहब की बात सुनाई आप, प्राइम मिनिस्टर साहब की सुना दें कि वो कहते थे 100 दिन में मैं इस मुल्क को वहां पे लेके जाऊंगा, और वो कहते ये थे कि कर्जे जो है हम उनके मुंह पे लेके दे के मारेंगे, और एक रुपया भी अगर कीमत डॉलर में 5 रुपये की बढ़ती है तो वो मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो चोर होता है और मुल्क के कर्जे इतने बढ़ जाते हैं। तो भाई इनको डॉलर कहाँ पे मिला और डॉलर कहाँ पे खड़ा हुआ है? तो बात ये, मेरा कहना ये, जो कुछ इन्होंने गरीब आवाम से वादे वईद किए, झूठ बोले, फरेब किए,
तो आज अवाम जो है वो भुगत रहे हैं। तो हमारा तो कहना ये है कि खुदारा इस मुल्क के अवाम, अगर वो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब एक मौके पे खुद ये कह चुके हैं कि हमारे पास ना तजर्बा था ना एक्सपीरियंस था ना लोग थे, तो भाई अगर ऐसी सूरत हाल थी, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कैबिनेट को आप देख लें। हाँ, अगर ये मतलब उमर भट्ट साहब जैसे लिखे पढ़े बच्चे या बाकी दूसरे लोग अगर होते तो फिर भी हम कहते हैं कि चले इनका पार्टी में। ठीक है, वक्त हमारे पास खत्म हो गया है, बहुत गया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।